हे गाइस वेलकम बैक टू गाइस माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, क्या हो गया, जब मेरा सिम था, नंबर था, तो एक्चुअली वो बंद हो गया है, तभी मैं उसको चालू कराने जा रहा हूँ। तो के शनिवार हुआ था, शनिवार नहीं एतवार को हुआ था शाम को, क्या बोलते 6-7 के बीच में, कॉल आ रही है ना जा रही है, टावर बिल्कुल नहीं आ रहा, टावर उड़ गए एयरटेल के सिम में। तो कल मैंने जो बात की थी भैया से, तो वो कह रहे अभी आपको ये नंबर दोबारा एक्टिवेट कराना पड़ेगा, नंबर आपको यही मिल जाएगा, जो भी आपको डाटा कुछ भी होगा नंबर नंबर सब आपके वापस मिल जाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ, रेडी हो गया हूँ, तो अभी जाऊँगा एयरटेल के ऑफिस, तो वहाँ पे जाके नंबर जो एक्टिवेट कराऊँगा, तो फिर चलते आओ। एक्टिवा जो मैंने निकाल ली अपनी, कारण में इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, मौसम काफ़ी बढ़िया है, तो धूप आज निकली नहीं है। हमारी गली में फंक्शन भी है, तो आज गली में फंक्शन भी है हमारे, तो मैं तो जाऊँगा नहीं, तो मैंने तो एक्चुअली में जिम जाना है, क्या बोलते हैं 5 बजे, तो मेरे पास टाइम होगा नहीं, तो मैं तो जाऊँगा नहीं। तो रात को 8 बजे प्रोग्राम है गली में, तो उन लोगों ने बुलाया था, लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगा, मैं 10-10:30 घर पे आऊँगा, जाया गया तो जाऊँगा, तो अगर नहीं जाया गया तो फिर नहीं जाऊँगा। अभी तो पहले नंबर चालू करवाता हूँ, नंबर पता नहीं क्या हो गया, बंद हो गया अचानक से ही, तो फिर अभी बस चलते कि नंबर चालू कराते। पर ऐसा नहीं, मैं लोकल नंबर यहाँ पर मैंने नंबर दिखाया था कुछ लोगों को, तो नॉर्मल तो नॉर्मल होते हैं जो सिम बेचते हैं, तो वह कह रहे हैं एयरटेल के ऑफिस भी आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर पता लगेगा क्या दिक्कत है आपके नंबर में, टावर वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो उन लोग अपडेट कराना पड़ेगा दोबारा से, तो अभी नंबर अपडेट कराते हैं फिर। तो भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं, तो अभी रास्ते पे अभी पहुंचे नहीं है, तो अभी मातरंग चौक गए हैं, यहाँ से काफ़ी दूर है हमारे घर से कम 6-5 किलोमीटर की दूरी पे है ऑफिस, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे क्या करते क्या नहीं। अभी बस हम लोग शहर पहुंच चुके हैं, तभी क्या बोलते हैं अभी धूप भी निकल आई है, पहले धूप नहीं थी मेरे घर साइड पे, अभी शहर साइड पे धूप है। तो गाइस अभी पहुंच चुका हूँ मेटल ऑफिस, ये अभी मेटल ऑफिस आया था, तो अभी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे अभी सिम नहीं है हमारे पास, हाँ तो अभी बोल रहे सिम नहीं है हमारे पास, तो बोलते हैं तो अभी मैं देखता हूँ कहीं और जाके देखता हूँ, ये नंबर की लोड भी, अभी मेरा नंबर बंद पड़ा है 2 दिन से, तो अभी मैं देखता हूँ कहीं और जाता हूँ ऑफिस, इनको कोई और ऑफिस हो तो फिर वहाँ पे जाके हम लोग नंबर चालू करा। तो भाई अभी एक भाई से पूछा है, वो कह रहा है आप सिम ले आओ किसी डीलर से, ये अभी डीलर सिम लेने जा रहे हैं हम लोग, तो कह रहे डीलर सिम ले आओ हम उनके एक्टिवेट कर देंगे, डीलर के पास से एयरटेल जो कंपनी इनके पास सिम ही नहीं है। ये सामने डीलर है, यहाँ से सिम ले लेते हैं, किधर है एयर को मिल जाना, एयर को पूछ लेते हैं। तो भाई इधर भी नहीं मिली सिम वगैरह डीलर के पास, अभी हम लोग कहीं और जा, भाई सिम कहीं नहीं मिल रहे हैं, सिम मैं काफ़ी पता कर रहा हूँ, डीलर के पास छोटी मोटी शॉप भी है मार्केट में, वो मेरे पीछे मार्केट है, तो वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है क्या बोलते हैं सिम वगैरह, तो अभी लोग देखते हैं अभी क्या करना है क्या नहीं करना। सामने मार्केट है, मार्केट में सभी से मैंने सिम पूछ लिया, तो कहीं नहीं सिम मिल रहा है, फाइनली गाइस अभी सिम मिल गया मुझे यहाँ पर एयरटेल का। कितने का भैया? 2 दे दो, एक और दे दो, दोनों ही बंद है। ये सभी सिम मिल गए हमें, 2 मिल गए यहाँ से, तो कहीं मिल नहीं रहे सिम वगैरह, सिम ले आओ हम एक्टिवेट कर देंगे, कंपनी कह रही हमारे पास सिम नहीं है। तो फिलहाल अभी सिम मिल गया है मुझे, 2 सिम ले लिए, मेरे 2 नंबर मेरे बंद थे, तो वगैरह सिम ले आओ हम चालू कर देंगे एक्टिवेट, तो मैंने सिम ले लिए 50 रुपये एक सिम पड़ा, मैंने 2 ले लिए, तो अभी आ गए एयरटेल के ऑफिस, देखो यहाँ पे अभी एक्टिवेट करा लेंगे सिम। तो वही से एक नवा लफड़ा हो गया, क्या बोलते अभी जो सिम में लेके आया था, जो पापा के नाम ही सिम में, तो पापा जो फायर हुए मेरे, तो एक्चुअली मैं अभी कह रहे हैं वो होगा नहीं एक्टिवेट, आपको नया नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन नंबर मुझे यही चाहिए जो मेरा पुराना नंबर, काफ़ी 20 साल से नंबर चल रहा है मेरा, कभी देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है क्या करते हैं, देखते अभी नया लेना पड़ेगा फिर नंबर। तो गाइस अभी क्या बोलते हैं दोपहर के क्या बोलते 12 बजे, तो अभी क्या बोलते कल का ब्लॉक ही जो मैं अभी उसको पूरा करूँ, कल मैंने ब्लॉक आधा छोड़ दिया, तो मुझे कुछ काम था तो मैं कहीं जा रहा था, तो ब्लॉक बनाया नहीं फिर मैंने, और क्या बोलते हुए नंबर की बात है, नंबर अभी तक मेरा चालू नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, उसके आईडी प्रूफ चाहिए, आईडी प्रूफ क्या बोलते पापा का लग रहे, पापा एक्सपायर हो चुके हैं मेरे, तो उसके आईडी प्रूफ लग रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट वो नहीं मुझे मिल रहा, तो और भी काफ़ी आईडी वगैरह है पापा की, वो मुझे मिल नहीं रही कहीं पर, मैंने ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, अभी मुझे लगता है मुझे नया नंबर लेना पड़ेगा एयरटेल ने, पता नहीं फालतू में क्यों मेरा बंद कर दिया नंबर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अभी क्या बोलते मैं शादी में जा रहा हूँ, तुम्हारे मोहल्ले में शादी है, क्या बोलते एक लड़का है उसके भाई की शादी है, मेरा दोस्त ही है वो, तभी उनकी शादी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे मेरा फ्रेंड भी वो भी जा रहा है साथ में, तो हम साथ में चलेंगे, तो थोड़ा एंजॉय करेंगे देखते हैं। तो भाई अभी चेतन भी जा रहा है शादी पे, तो चेतन कह रहे हैं मैं भी जाऊँगा।
तो यहाँ पे टेंट वगैरह लगे, यहाँ पे शादी थी तो थोड़ी पार्टी थी कल रात को, तो अभी हम लोग शादी में जा रहे हैं। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं पैलेस में, ये पीछे पैलेस है। चेतन चेतन भाई शर्मा रहा है, काफी अच्छा है प्रोग्राम रखा है इन लोगों ने, शादी काफी अच्छी है। Falling down.